एक बार फिर सजी राहुल की रसोई। तेलंगाना में ठेठ देसी अंदाज में डोसा बनाते दिखे कांग्रेस के युवराज। इससे पहले लालू यादव के साथ चंपारण मीट बनाते दिखे थे राहुल। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर अलग अलग पक्षकारों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, अब तक राहुल गांधी को अपने कभी किसानों के साथ खेत में तो कभी ट्रक ड्राइवर के साथ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की यात्रा करते हुए देखा होगा। कभी राहुल गांधी दिल्ली में गाड़ियों के मैकेनिक के पास जाकर संवाद कर रहे हैं तो कभी बिहार में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ चंपारण मीट बनाते दिखे। देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद तेलंगाना में राहुल गांधी का एक और नया रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने ठेठ देसी दक्षिण भारतीय अंदाज में दुकान पर खड़े होकर डोसा बनाया। कांग्रेस के महासचिव सी वेणुगोपाल ने उनका ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, जहां वो विजय भेरी यात्रा में शामिल हुए। शुक्रवार 20 अक्टूबर को जगतियाल जाते वक्त वो एक बस स्टॉप पर रुक गए और एक डोसे की दुकान पर पहुंच गए। इस दौरान राहुल गांधी डोसा बनाते दिखाई दिए। राहुल गांधी को डोसा बनाते देख लोग हैरान हो गए, वहां भीड़ एकत्रित हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्हें जगतियाल में एक सभा को संबोधित करना था। जगतियाल जाते समय राहुल गांधी का काफिला चोपा डांडी के एक बस स्टॉप पर रुका और वो एक डोसे के दुकान पर पहुंचे। राहुल गांधी इस दुकान पर खुद ही डोसा बनाने लगे, खाया भी और लोगों को भी उन्होंने डोसा खिलाया। लालू यादव के साथ चंपारण मीट बनाते दिखे थे इससे पहले जब राहुल गांधी, तो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और लालू यादव के एक मुलाकात का वीडियो जारी किया था। ये मुलाकात दिल्ली में 4 अगस्त को हुई थी। इस वीडियो में राहुल गांधी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ मिलकर चंपारण मटन पर बात की थी और वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे थे। इस वीडियो में खाने के साथ साथ राजनीति पर भी अहम बातचीत हुई थी। राहुल गांधी के अलग अलग किए जा रहे इन प्रयोग के सहारे कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही है कि शायद पूरे देश में उनके एक ऐसी छवि बनाई जाए जो आम आदमी के साथ कनेक्ट की जा सके। लेकिन इन वीडियोस से उनका कितना फायदा होने वाला है ये 2024 के चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।